हरदोई के कैमरन स्कूल में प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज के श्री मुख से शुरू हुई श्री राम कथा के प्रथम दिवस पर कथा मंडप में पहुंचे श्री राम कथा के व्यास श्री प्रेम भूषण महाराज ने भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी को श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हुए प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने तुलसी जी व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम कर व्यासपीठ पर विराजमान हुए। कथा के मुख्य यजमान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने पुत्र आदि तिवारी के साथ सपरिवार व्यासपीठ कथा व्यास जी का पूजन व स्वागत किया तथा आरती उतारी। कथा के प्रथम दिवस पर पूज्य श्री ने श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए भोलेनाथ भगवान शंकर के अद्भुत विवाह प्रसंग को सुनाकर श्री राम कथा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म दुनिया का पुरातन और विशालतम धर्म है। जहां बड़ा परिवार होता है वहां अनेक विकल्प होते हैं। कथा के विश्राम पर मंगल आरती उतारी गई। श्री राम कथा के पूर्व में चिकित्सा राज्य मंत्री मयंक ईश्वर शरण सिंह ने पंचदीप जलाकर कथा योजन का शुभारंभ किया। महाराज श्री ने व्यासपीठ से सभी के लिए मंगल आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र, सांसद अशोक रावत, सांसद जयप्रकाश रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा राजीव रंजन मिश्र, भाजपा युवा नेता आकाश सिंह सहित श्री राम कथा में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कोई संप्रदाय उठ जाए, विरोध अवरोध प्रतिरोध जितना संभव है करता है। किसी ने पूछा महाराज जी सभी संप्रदाय धर्म में एक एक ग्रंथ है, एक एक भगवान है और हमारे सनातन धर्म में तो पता नहीं चलता कि हम किस भगवान को माने। हमने कहा एमए पास है क्या? बोले हाँ। इसीलिए प्रश्न है, कक्षा 10 में 10 सब्जेक्ट होता है, बढ़ते ही जाता है। इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स की